मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रूम। आज है 22 जनवरी 2019 और आज से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा। इस पीडीएफ का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ एक ही जगह पर मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी अगला वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की कौन सी योजना से रोजगार सृजन में 2019 तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से रोजगार सृजन में 2019 तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा है, यह एक कीर्तिमान है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने हाल ही में किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? आईसीसी ने हाल ही में मनु साहनी को अपना सीईओ नियुक्त किया है। आईसीसी ने जो हाल ही में सिंगापुर स्पोर्ट्स हब के पूर्व सीईओ और ESPN स्टार स्पोर्ट्स के प्रबंधक रहे मनु साहनी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई में जो है हाल ही में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस सिनेमा का उद्देश्य लोगों को भारतीय सिनेमा के सफर के बारे में अधिक से अधिक बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात और झारखंड के बाद किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो गया उत्तर प्रदेश। सब गुजरात और झारखंड के बाद तीसरा राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए सरकारी नौकरी व शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में 124वें संविधान संशोधन के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के उन लोगों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है एवं जिनके पास 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दिफो पुल का उद्घाटन किया गया है? दिफो पुल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अरुणाचल प्रदेश में दिफो नदी पर रोइंग कोरोनू पाया सड़क पर निर्मित किया गया है। ठीक है, इस पुल से अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी और लोहित घाटी क्षेत्र के बीच संपर्क मार्ग मजबूत होगा। ठीक है, इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT संस्थान ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहला बीटेक कोर्स लॉन्च किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहला बीटेक कोर्स लॉन्च किया है वो IIT हैदराबाद ने। ठीक है, IIT हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो इसका आंसर है वाराणसी में। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 21 से 23 जनवरी तक वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ इस प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस शहर को वास्तुकला की वैश्विक राजधानी 2020 घोषित किया है? इसका आंसर है रियो डी जेनेरियो। यूनेस्को द्वारा हाल ही में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो को वास्तुकला की वैश्विक राजधानी 2020 जो है वो 2020 घोषित किया गया है। वर्ष 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कराने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला शहर भी है रियो डी जेनेरियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री पवन कुमार शामलिंग ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है? सिक्किम। ठीक है, इस योजना के तहत जिस परिवार में कोई नौकरी नहीं होगी उस परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन के 9वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन के 9वें संस्करण का शुभारंभ गांधीनगर में किया है और इस जो सम्मेलन की थीम होगी वो है शेपिंग ऑफ अ न्यू इंडिया। ठीक है, गुजरात वाइब्रेंट ग्लोबल सम्मेलन गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय पहलवान लॉरियस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा विग्नेश फोगट को वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर कैटेगरी में नामांकित किया गया है और विग्नेश फोगट महिला कुश्ती में 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया युवा खेलों में 2019 में सर्वाधिक पदक
किस राज्य ने जीते हैं? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, आज के व्यूज का क्वेश्चन है, वन फैमिली वन जॉब योजना लागू करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, ए हरियाणा, बी सिक्किम, सी राजस्थान, डी पंजाब। जो भी इसका आंसर आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाके दे सकते हैं। हमारे पिछले वीडियो का आंसर है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 पुणे में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते? तो इसका आंसर था महाराष्ट्र ने। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पीडीएफ का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इसे, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी पीडीएफ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।